Good evening, Namaskar. Thank you for joining in for another exciting episode of No World Presents Saturday Stardom Live. मैं सुजय गुप्ता सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। Last week हम लोग मिले हेमंत खेर से, जिन्होंने स्कैम 1992 अ हर्षद मेहता स्टोरी में अश्विन मेहता का रोल निभाया। चलिए आपको मिलाते हैं चक दे इंडिया फेम की बिंदिया नायक से। Ladies and gentlemen, please join me in welcoming the very talented Shilpa Shukla. Let's connect with her. Shilpa Shukla, Namaskar. Thank you for joining in for Saturday Stardom Live's today's episode. Bahut acha laga aap aaye. You wanted to connect with the audience. Welcome to our show. How are you? What's happening? Kya chal raha hai? थैंक यू सुजय, बस चल रहा है। ऑप्शन क्या है, अच्छा। चल ही रहा है। लॉकडाउन कैसा चला? ठीक था एक्चुअली। आई मीन ऑब्वियसली बहुत ही एक ऐसा फिनोमेनन, सब इकट्ठे एक ऐसी चीज के साथ गुजरे हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, ना कोई इमेजिन कर सकता था। बट आई गेस ठीक ही रहा। मैं बंबई में रही 5 महीने तकरीबन अकेले, और कुछ एक आधा दिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लॉकडाउन शूट हुए थे। Okay. और ठीक रहा, नॉट बैड एक्चुअली। मुझे ऐसे लगता है नेचर कभी कभी आपके लिए कुछ ऐसी तरकीबें डिजाइन करती हैं कि आप अपने अंदर जा सके, तो आई थिंक इट वाज वन ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस। तो नॉट बैड ठीक रहा। घर के सारे काम खुद ही किए फिर तो, कुकिंग? हाँ बिल्कुल। और मैं कुकिंग बहुत ही मिनिमलिस्ट हूँ, तो उतना कुछ इलैबोरेट नहीं था। और मैं सोशल मीडिया पे जितना ही देख रही थी लोग कुकिंग में इंडल्ज कर रहे हैं, मुझे वो पूरी चीज से उतना ही ज्यादा होता है ना, विपरीत रिएक्शन हो रहा था। तो जी तो ठीक रहा, सब कुछ खुद किया। बिल्कुल। मतलब what were the struggles that you faced? You start starting from being a theater artist and then you becoming a breathtaking artist, you know. So how was it? What was your journey? मतलब कैसा रहा? When did you start? देखिए ये जर्नी तो बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं थी। मैं सोशियोलॉजी पढ़ती थी मिरांडा हाउस में और एक्टिंग थिएटर करती थी, और बस किसी ने देखा स्क्रीन पे स्टेज पे और फिर उन्होंने फिल्मों के लिए बुलाना शुरू किया। सो टू बिगिन विद मेरी बिल्कुल भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, इसलिए मुझे जो मिला वो बहुत ही मेरा सौभाग्य है। बिकॉज आई थिंक इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए कि एक्सपेक्टेशंस जो है आप अपनी मेहनत पूरी करें पर ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, तो यू विल बी सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट्स। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ, तो इसलिए फिर जो भी रोल्स आए और जो भी काम किया उसमें लोगों को पसंद आया, काफी तारीफ हुई, काम काफी सुपरहिट भी रहा, फिल्में बहुत अच्छी चली। तो इट वाज यू नो कंप्लीट ब्लेसिंग, क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था बेसिकली। स्ट्रगल्स तो देखिए अप्स एंड डाउन्स हैं, और अप्स एंड डाउन्स तो मतलब जिंदगी का हिस्सा है। हमें अप्स पसंद आते हैं, डाउन्स पसंद नहीं आते, तो हम चाहते हैं डाउन को दूर कर दें, अप्स को एम्ब्रेस करें। बट आई थिंक जो इस लॉकडाउन के बाद मुझे एक बात समझ आई है कि हमें अप्स और डाउन दोनों को एम्ब्रेस करना जरूरी है। आई थिंक तभी हम थोड़े और ज्यादा पीसफुल हो सकते हैं। सो जैसे सुपरहिट मूवीज की आपने बात की, यू डन अ फैंटास्टिक रोल इन चक दे इंडिया। यू वर्क विद अ बिग ग्रुप ऑफ को-एक्टर्स, शाहरुख भाई वाज देयर, एंड मतलब कैसा था वो एक्सपीरियंस, एंड यू थिंक दैट इट वाज काइंड ऑफ अ टर्निंग पॉइंट इन योर करियर? इट वाज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट लाइफ ऑल्टरिंग मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ। फिल्म की शूटिंग के दौरान तो खैर जो था, लेकिन जो फिल्म बनी बाद में और आज तक भी, एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि उस फिल्म को 12 साल हो गए, बिकॉज एक दिन नहीं जाता जब कोई उस फिल्म का जिक्र नहीं करता।
Absolutely. You know, it is something that I never expected कि कुछ ऐसा भी होता है कि आपको एक ही फिल्म के लिए रोज तारीफें मिल सकती हैं, you know. So, so that way, you know, there's I feel a lot of gratitude कि आज की generation भी पहचान रही है और उस time के लोग भी पहचान रहे हैं, क्योंकि 12 साल कम अरसा नहीं होता है, लेकिन you know वो फिल्म अभी भी लोगों की memory में इतनी fresh है. पूरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था. आई थिंक इसी वजह से उस फिल्म का आउटकम अभी तक यू नो हम महसूस कर रहे हैं, बिकॉज वो प्रोसेस ही बहुत ही ऑर्गेनिक रहा था. मुझे नहीं लगता वो ऐसी कोई भी हिंदी फिल्म पहले इस तरीके से शूट हुई थी, यू नो, जिसमें इतने टाइम आपको स्पोर्ट्स के लिए ट्रेनिंग मिली और फिर इकट्ठे रहना, यू नो, और फिर तो इसलिए आई थिंक वो उसका आउटपुट भी इतना अच्छा रहा. और शाहरुख ऑफ कोर्स बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट फिनोमिनल फिल्म्स एवर. यस, ट्रूली. यू नो द सॉन्ग्स स्टिल प्ले एवरीवेयर, एंड मैं कभी भी सड़क पे भी निकलती हूँ, देयर आर पीपल हु रिकॉग्नाइज मी, एंड समटाइम्स पीपल गेट सो नर्वस, एंड देन आई टेल देम कि 12 साल हो गए आप, अब नर्वस होने की क्या जरूरत है, यू नो. सो तो ऐसा सा होता है. So, yeah, it's something that I enjoy every day, actually. So that was a good change that you felt in your real life also. कि भाई real life में एक ऐसा किरदार आपने निभाया कि real life में भी लोग इतना impress हो गए और होते ही जा रहे हैं. 12 साल, it's a long, long time, and they also मतलब अभी personally बता रहा हूँ मैं आपको, कभी TV पे दिख जाती है, कहीं OTT पे ध्यान से दिख जाती है तो चक्दे लग जाती है हर बार. सबके साथ यही होता है. मेरे ख्याल उस फिल्म की जो सबसे खूबसूरत बात थी वो यही थी कि वो जो सारे कैरेक्टर्स थे वो हम जैसे ही लोग थे, यू नो, एंड आई थिंक वो जो रिलेटेबिलिटी है उन सब कैरेक्टर्स के साथ, उनकी कहानियों के साथ, उस टीम वर्क के साथ, एंड आई थिंक वो जो उस फिल्म का जो जज्बा है वो बहुत ही अमेजिंग है. इसलिए जब भी कोई देखता है तो वो, यू नो, दे गेट मोटिवेटेड, एंड आई थिंक फिर हमारा, यू नो, सारी मेहनत और काम सफल रहा, क्योंकि दैट्स द आइडिया. True that. Yeah. And you've also worked in theaters, you've worked obviously in movies, you've also worked in OTT platforms. What do you think is the difference? Which, matlab, kya acting ki as a capability wise, kya farak hai teenon mein? And which platform do you like most personally? Okay, so of course, मैंने थिएटर से शुरू किया और अभी भी जब भी मौका मिलता है तो मैं, अब तो खैर थोड़ा समय हो गया, but I do indulge in theater still. और मुझे ऐसा लगता है थिएटर जो है वो फाउंडेशन है आपके क्राफ्ट को परफेक्ट करने का. अगर आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आप जाते हैं एक पढ़ाई करने, पर एक्टिंग में हम अज्यूम कर लेते हैं कि अगर हमारी शक्ल ठीक ठाक दिखती है और लोगों ने बोल दिया कि यार हैंडसम हो या ब्यूटीफुल हो, तो हमें लगता है बन जाएंगे, यू नो. बट आई थिंक इसलिए हमें दोबारा सोचना चाहिए कि क्या सच में इस क्राफ्ट के लिए ट्रेनिंग जरूरी है. And I think theater वो platform है जहाँ से हम अपने आप को train कर सकते हैं, ताकि जिस दिन हमारे आगे camera roll हो तो हमें पता हो कि हम prepared हैं. क्योंकि ऐसे बहुत सारे actors होते हैं जो जिन्हें लगता है अरे film ही करनी है सिर्फ, you know, but वो auditions में nervous हो जाते हैं, फिर you know आगे भी nervous रहते हैं. So I think जो theater है वो आपको grounding देता है. Okay. कैरेक्टर्स को समझने के लिए और यू नो इमोशंस को फील करने के लिए, और वो ऐसी पढ़ाई है जो हमेशा आपके साथ रहेगी, यू नो. उसके बाद फिर हम चलिए ग्रेजुएट करेंगे फिल्म्स में. तो आई थिंक थिएटर ने ऑलरेडी आपको इतना सॉलिड कर दिया है कैरेक्टर अंडरस्टैंडिंग में और इमोशंस को करेक्ट फील करके जाहिर करने में, आपस की केमिस्ट्री समझने में, दैट आई थिंक आपकी आधी बैटल जो है यू वन इट देयर, यू नो. OTT is a very interesting platform क्योंकि यहाँ ऐसा मुझे लग रहा है जैसे थिएटर और सिनेमा साथ आ गया है. अच्छा जी. क्योंकि हमेशा से थिएटर और सिनेमा ऐसा रहा है कि जैसे they are the opposites, right? Like that's how people say. But with OTT, strangely what is happening is कि जो प्रोसेस है वो बड़ा थिएटर टाइप का प्रोसेस है. Okay. You know? Yeah, they people rehearse a lot of times. A lot of people do theater workshops also. जो फिल्मों में भी करते थे, बट OTT इज ऑल्सो बिकॉज इट इज वेरी कैरेक्टर ड्रिवन. फिल्मों में तो ऐसा होता है हीरो हीरोइन एंड अ फ्यू कैरेक्टर्स, राइट? पर OTT इज समहाउ सो कैरेक्टर ड्रिवन.
स्पेशली इफ यू आर गेटिंग इनटू सीजंस यस यू नो तो मुझे ऐसा लगता है कि समवेयर यू नो इट इज अ न्यू ग्रामर और हम धीरे धीरे सीख रहे हैं बेहतर कहानियां बताना ओटीटी पे, पर मुझे लगता है आने वाले एक दो साल में तो यू नो वी हैव सो मच बेटर कंटेंट और जो हमारी ऑडियंस है उसका भी यू नो टेस्ट, ऑडियंस बहुत एक्सेप्टिंग हो गई है कम से कम, यू नो दे वांट टू वॉच अ लॉट ऑफ थिंग्स और मुझे उम्मीद है कि दो तीन साल में और रिफाइंड हो जाएगा हमारा टेस्ट. ये थिएटर की एक ट्रेनिंग प्रोसेस की अगर बात करें तो ये एक मोनोलॉग परफॉर्मेंस आपने की थी 55 मिनट की, व्हाट वाज दैट, उसके बारे में बताएंगे जरूर. समथिंग आई थिंक सुनने में ही सबसे ज्यादा मुश्किल चीज लग रही है, यू नो अ मोनोलॉग थिएटर परफॉर्मेंस फॉर 55 मिनट्स, व्हाट वाज दैट अबाउट. सो इट वाज, इट्स अ वेरी वेरी फेमस प्ले कॉल्ड वुमन अलोन, डारियो फो और फ्रांका रामे उनका लिखा हुआ नाटक है, 1950s का है आई थिंक. उसको मैंने अडेप्ट किया हिंदी, इंडियन यू नो अडेप्टेशन किया, प्ले इंग्लिश में रहा लेकिन अडेप्ट करना पड़ा थोड़ा क्योंकि वहाँ की सोसाइटी बहुत अलग है तो यू नो द पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव वॉज वेरी डिफरेंट. और करने के पीछे मकसद एक ही था कि 12 साल हो गए थे थिएटर किए हुए और जब लास्ट टाइम किया था तो मुझे याद है मैं स्टेज पे बहुत नर्वस थी और आज तक भी मैं स्टेज के लिए जितना नर्वस हूँ मैं कैमरा के सामने उतना नर्वस नहीं हूँ. अच्छा. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर कितने पानी में है ये एक्चुअली थिएटर में पता चलता है बिकॉज इट्स ओनली वन टेक, यू नो. सो इट वॉज मोर ऑफ अ चैलेंज के क्या मैं दोबारा 12 साल बाद कैन आई होल्ड अ प्ले. तो बस फिर काफी इंटेंस प्ले था इसलिए मैंने बहुत कम शोज किए हैं उसके, बट वेरी वेरी वेल रिसीव्ड. आई नो इट्स ऑल अक्रॉस द सोशल मीडिया एज वेल. और ऐसा अगर आपने कुछ किया है तो आई एम श्योर ये करने से पहले जब स्क्रिप्ट भी आई होगी ना एक बार को आपको भी थोड़ा सा नर्वसनेस जरूर हुई होगी कि भाई मतलब कैसे होगा ये अचीव कैसे होगा. काफी नर्वस थी और अडेप्टेशन एक्चुअली मैं खुद ही कर रही थी. अच्छा. और यू नो जी तो काफी नर्वस थी. ओ जो शो के पहले दिन तो आई रिमेम्बर मैंने मेरे बर्थडे पे वो शो किया था फर्स्ट डे. मैं इतनी नर्वस थी कि एक हमारे कोरियोग्राफर फ्रेंड है उनको यू नो मेरे साथ कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ी कि मैं थोड़ा सा नर्वसनेस चली, क्योंकि जब तक आप स्टेज पे नहीं जाते वो जो फीलिंग है ना वो ऐसी है एज इफ यू आर प्रेग्नेंट एंड यू हैव टू डिलीवर, इट्स दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग. और एक बार आप थिएटर में स्टेज पे चले जाते हैं ना और वो कब खत्म होता है आपको पता भी नहीं चलता. इट्स मैजिक. मतलब मैं हमेशा ऐसे कहती हूँ कि अगर कोई भी एक्टर बनना चाहता है उनको थिएटर का एक्सपीरियंस जरूर लेना चाहिए. कमिंग फ्रॉम दैट थिएटर एक्सपीरियंस, यू कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, ब्यूरोक्रेट्स एंड यू आर द ओनली वन हू परसूड एक्टिंग. ये चाइल्डहुड ड्रीम था या व्हाट इंस्पायर्ड यू? Nothing actually. कोई ऐसा ड्रीम नहीं, कोई ऐसा कुछ भी नहीं था. मैं बस ऐसा हुआ कि थिएटर कर रही थी हाई स्कूल में, डीपीएस आरकेपुरम में एक प्ले किया, फिर मिरांडा हाउस गई तो भी थिएटर कर रही थी साथ में और बस लोगों ने स्टेज पे देखा, फिर एक ऑडिशन के लिए बुलाया वो फिल्म मिल गई, फिर दूसरे के लिए बुलाया वो मिल गई. तो मुझे तो एक्चुअली बहुत टाइम तक बॉम्बे का कुछ आइडिया नहीं था. इनफैक्ट जब तक मैं बॉम्बे नहीं आ गई तब तक मुझे पता नहीं था कि क्या है. तब तक प्योर दिल्ली. प्योर दिल्लीआइट मतलब एक्चुअली मेरे पिताजी इनकम टैक्स में थे तो हम लोग अहमदाबाद में रहे, कलकत्ते रहे, दिल्ली रहे और मैं हूँ बिहार से ओरिजिनली और हम बिहार भी जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं था. बस ये था कि फिल्म इंडस्ट्री की इतनी नॉलेज नहीं थी. बट वो मुझे लग रहा है कि आपका 1+1 2 होते चले गया और वो बस एक करियर ग्राफ बनता चला गया. हाँ बिल्कुल. आई थिंक भाई दिस इज अ वेरी फाइन एक्ट्रेस. हाँ मतलब पीपल हैव बीन रियली काइंड के उन्होंने एक्सेप्ट किया, यू नो आई थिंक दैट इज अ ग्रेट थिंग बिकॉज मेरी जो फर्स्ट फिल्म थी वो भी इंटरनेशनली यू नो उसको 16 अवार्ड्स मिले एंड यू नो इट डिड रियली बिग. फिर बम्बई में भी आने के बाद और यू नो विद इन 4-5 years मेरे पास हर अवार्ड के दो दो सेट हैं. तो कई लोग जब कहते हैं कि यू नो इंडस्ट्री में
पता नहीं यू नो पॉलिटिक्स है, नेपोटिज्म है, फलाना है, ढिमकाना है, तो मेरे पास कुछ है नहीं कहने को, बिकॉज मेरे साथ वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ उस लेवल पे, यू नो. सो आई मैं तो बहुत खुश हूँ, और ऐसा लगता है कि अपनी मेहनत करते जाएंगे तो फिर यू नो जो भी है आ ही जाएगा. कर्म करो, गीता भी बोलती है भाई, कर्म. हाँ बिल्कुल, मेरे पिताजी भी बिल्कुल यही मुझे हमेशा समझाते थे कि कर्मण्येव वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. आई कंप्लीट. वैसे अवार्ड्स पे, अवार्ड्स की बात करें तो बीए पास, दैट मूवी, यू रिसीव्ड सो मेनी अवार्ड्स फॉर इट. यू हैड द फिल्मफेयर अवार्ड, यू हैड द नेशनल अवार्ड, स्टार स्क्रीन अवार्ड. उसके बाद मतलब थोड़ा ये अवार्ड इतने सारे इकट्ठे हो गए, उसके बाद स्क्रीन से थोड़ा सा आप चले. उसका क्या रीजन था? एक्चुअली वो टाइम जो था, देखिए उस समय ऐसी स्क्रिप्ट नहीं आ रही थी जो बहुत ज्यादा यू नो ड्राइव नहीं कर रही थी मुझे कुछ करने को. जो ज्यादातर आ रहा था वो यू नो सेक्स और हॉरर था, और चूंकि मैं थिएटर से आती हूँ तो यू नो मैंने कभी इसलिए कोई फिल्म नहीं की क्योंकि मैं मार्केट में रेलेवेंट रहूँ. मैंने वो इसलिए की क्योंकि ऐसे लगा कि यू नो एज अ क्राफ्ट मैं ग्रो करूंगी, क्राफ्ट में ग्रो करूंगी, ऑडियंस को मजा आएगा. Yes. तो मैं कभी वो चीज, इट्स लाइक च्युइंगम, यू नो, मतलब ऐसा मैं नहीं चाहती थी कि बहुत ज्यादा चबाऊं कि वो मिठास ही चली जाए, यू नो. सो दैट्स व्हाई आई डिडंट गो फॉर द मूवीज दैट वर कमिंग माय वे देन, उस समय. एंड ठीक है, अब देखिए समय बदल गया है एकदम से. तो सो समटाइम्स आई थिंक अंडर एक्सपोजर वर्क्स फाइन, यू नो. और मैं कभी कभी वैसे किसी जल्दी में रही नहीं हूँ. मुझे वैसी वाली टेंशन नहीं है कि एज हो जाती है और फलाना हो जाता है, ढिमकाना हो जाता है. तो मुझे लगता है ठीक है, यू नो. सो आई एम लाइक इट्स ओके. नहीं, वो चल रहा है, बढ़िया चल रहा है. यू आर गोइंग टू बी सीन ऑपोजिट पंकज त्रिपाठी जी, हु इज अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर इन वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस. व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू गॉट द ऑफर? दैट्स राइट. एक्चुअली इन द सीरीज आई नो वो न्यूज में ऐसे आया कि आई एम ऑपोजिट पंकज त्रिपाठी, बट जब आप देखेंगे तो पता चलेगा, लाइक स्टोरी इज वेरी इंट्रीगिंग और कैरेक्टर जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है. जब ऑफर आया ऑफकोर्स बहुत ही मजा आया, बिकॉज कीर्ति के साथ मेरे मैक्सिमम सीन्स हैं. और कीर्ति को मैं बहुत अरसे से जान रही हूँ, और यू नो आई ऑलवेज टोल्ड हर के इवन देन दैट यू वेरी गुड, और यू नो यू विल डू वेरी गुड in the profession. So it was beautiful because Deepti Naval bhi hai, unke saath ye mera third project hai. Meeta Vashishth hai unke saath bhi, humne theater mein we've crossed paths. Ashish Vidyarthi hai. So actually pura ensemble bahut interesting hai. Aur obviously ye to aapko dekhna padega, tab phir aapko baaki cheeze clear. ठीक है, मिस्ट्री आपको खुद ही सॉल्व करनी है. वो तो ठीक है, आपने देखा हुआ पहले. हाउ वाज कंसर्ट एक्सपीरियंस? मतलब अब इतने सारे लोग हैं और इनमें से कई लोग, मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर फ्रॉम अ थिएटर बैकग्राउंड आल्सो. हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस सीरीज? कि मतलब ऐसा लगा कि भाई अब तो एक्सपेक्टेशन भी हाई है और इतने बड़े बड़े नाम भी हैं, तो डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस सीरीज? ऑफकोर्स स्क्रिप्ट रीडिंग्स हुई, और देखिए प्रिपेयर तो मैं एक हद तक ही कर सकती थी क्योंकि पहली बारी एक ऐसा किरदार है जो जेल के अंदर है, तो वो मैं सिर्फ इमेजिन कर सकती हूँ. और थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशन कर सकती हूँ या कुछ वीडियोज देख लिए, कुछ रेफरेंसेस देख लिए. तो प्रेपरेशन रीडिंग थी, और बेसिकली जब हम लोकेशन पे गए तो वो जो गिव एंड टेक था उसी से कैरेक्टर बना. तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस लगाया, क्योंकि एक्चुअली वो जो पूरा सेट था, जो हमारा जेल का जो पूरा सेट था, वहां पे जाते ही कुछ हो ही जाता था, यू नो, आपस में. हाँ, वो इट वॉज मैजिक, और उसको हम कभी प्रिपेयर नहीं कर सकते उसके लिए. इट हैज टू बी स्पॉन्टेनियस. सो आई थिंक ये जो कैरेक्टर है ईशानी नाथ, ये काफी स्पॉन्टेनियस रहा, क्योंकि इनके लिए ऐसा हुआ बस कि मैंने सरेंडर कर दिया कि सेट पे जाके यू नो जैसे होगा हम देखेंगे, जैसे होगा वैसे देखेंगे. ऐसे आपने एक और बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले किया मेंटल हुड में.
Do you think working mothers are judged for their parenting skills? Like all the time, na? हमेशा मेरे मेरे इतने सारे दोस्त हाँ अक्सर अक्सर मेरे इतने सारे दोस्त हैं जिनके यू नो बेबीज हैं और या तो वो जज होते हैं या वो शायद खुद ही अपने आप पे को जज करते हैं बट यू नो क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि मतलब बच्चा क्या है कैसा है अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द मदर वो कंडीशनिंग तो रही है हमारी सोसाइटी की तो आई मेनी टाइम्स आई फील जो वर्किंग मदर्स उनको बड़ा गिल्ट भी रहता है इसीलिए शायद वो ओवर कॉम्पेंसेट भी करना चाहती हैं गिफ्ट्स के थ्रू बिकॉज एटलीस्ट दे आर वर्किंग तो मॉनेटरीली दे आर साउंड सो यू नो दे गो आउट ऑफ देयर वे टू टू डू यू नो अच्छा वाला बर्थडे प्लान करना अच्छा वाला यू नो तो मुझे ऐसा लगता है इट्स ओनली ह्यूमन नेचर और क्योंकि माँ है तो उसे शायद ऐसा लगता होगा कि you know this is how the society works और मैं कुछ और कर रही हूँ तो उसको बराबर करने के लिए I think women get into guilt trip which I don't think so is the right thing yes and I think guilt as a word ना मुझे ऐसा लगता है डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए actually you know guilt I don't think so guilt मतलब in fact Tibetan में you know Tibetan language में guilt के लिए कोई word ही नहीं है which is so good Because guilt ना वो वैसा भारी पत्थर होता है जो आपको ना जीने देता है ना कहीं जाने देता है ना कुछ करने देता है. Affects your entire life cycle. Yeah, and I don't think so. It's fair on us as human beings to carry so much baggage. You know? So, but I think parents, mothers do get into this trip sometimes, which they should not. Yeah. They're very strong people. Mothers are the strongest people that I know. Absolutely, yeah. absolutely. आपका इतने सारे आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं हाउ डू यू बैलेंस दैट प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ यू गेट योर कोट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली फ्रेंड्स जी 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 बिल्कुल एक्चुअली मेरा कभी भी इतना हेक्टिक लाइफस्टाइल रहा नहीं क्योंकि वही मैं थोड़ा सा क्वालिटी प्रोजेक्ट्स करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा वैसे भी नहीं करती हूँ काम बट हाँ नेक्स्ट ईयर से बहुत मुझे पता है हेक्टिक होने वाला है बट एटलीस्ट मुझे पता है कि मैंने इस पूरे दौरान अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया है कि ऐसा नहीं है कि अपने रेस में निकल गए और जो फैमिली है उनके साथ क्या हो रहा है ये पता नहीं है क्योंकि हमारे प्रोफेशन में मे भी ऐसा होता होगा बिकॉज बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल्स होते हैं तो एक टाइम था जब ऐसा हुआ था शुरू के 2-3 साल उसके बाद आई बिकेम मोर कॉन्शियस ऑफ इट यू नो तो अब तो ऐसा है कि सबसे टच में रहना और सारा कुछ ऐसे बराबर मिला जुला के चलते हैं विद दिस आई वुड लाइक टू कम टू आवर सेगमेंट कॉल्ड द वन वर्ड वन लाइन आंसर्स आई एम गोइंग टू बी आस्किंग यू क्वेश्चन that you can answer in either one word or maximum one line. Are you ready for it? Koshish karti hu. Main badi fail hu ye sab rapid fire of one word one line mein. Nahi main try karta hu. Aaram se chalegi. Sochne ka time milega. Theek hai. Let's start. Your favorite holiday spot. Ladakh. I'm sorry? Ladakh. Ladakh, wow, beautiful. Achha. We came to know that you are a non-vegetarian person. What do you like eating the most? I'm a switch on, switch off. I was 3-4 years vegetarian. Then someone said that, you know, protein is necessary. But I enjoy fish. Yeah. Okay. Yeah. Invisibility or super strength? Meaning? I didn't get the question. If you had a power, would you choose invisibility or super strength? Invisibility. Okay. one thing that calms you when you're angry? Meditation. Okay. 3 things you cannot live without. Things. okay, 3 things I cannot live without. Prayer. Okay. Family. Mm-hmm.
and teachers. Oh, wow, that was a nice touch. Okay, Saturday night, night out with friends or a quiet dinner with family? Night out with friends, क्योंकि quiet dinner तो मैं काफी करती हूँ. बहुत हो गया. अच्छा. Saturday को party करना चलेगा. Okay. Your favorite car? Oh my God, मैं बिल्कुल मेरे को गाड़ियों में interest नहीं है, but क्या बताऊँ मैं? So like ambition हो. हाँ, Isuzu type कुछ. अच्छा, Isuzu type, SUV. हाँ, SUV. I'm an SUV person, yeah. Who do you think gossips most in your group? ऐसे मैं हाँ मैं सोच में पड़ गई हूँ, because group type तो ऐसा कुछ है नहीं. होगा एक बंदा तो होगा कोई. नहीं, मेरे बड़े गॉसिपी, सही बताऊं तो है नहीं इतने गॉसिपी टाइप दोस्त, बहुत ही इवॉल्व दोस्त है मेरे. इवॉल्व दोस्त. ओके ओके. या योर फेवरेट सॉन्ग दैट यू कीप हमिंग? बाबरामन देखने चला एक सपना. ओह वेरी नाइस. सो दैट वाज द एंड ऑफ आवर वन वर्ड वन लाइन क्वेश्चनेयर राउंड. यू डिड फैंटास्टिकली वेल. बहुत ही कुछ डिफरेंट भी आए हैं और कुछ मजेदार आंसर्स भी आए हैं. अ फ्यू बिफोर वी रैप अप दिस इंटरव्यू, यू आर अ वेरी बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग यू नो वुमन, एंड यू प्लेड अ लॉट ऑफ सच रोल्स इन रियल लाइफ. व्हाट सजेशंस यू हैव और व्हाट चेंजेस यू वांट टू मेक इन द सोसाइटी और इन आवर लॉ regarding increased crime rate on women? मुझे ऐसे लगता है कि definitely the crime that happens is not acceptable, but also I feel that if we need to change anything, I think we need to only change ourselves. So I don't know what can we change outside really. एक समय था जब ऐसे लगता था कि बाहर ही सब कुछ खराब है और बाहर ही सब कुछ चेंज करना है. But I do feel now over the years के अगर हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपनी सोच बदल सकते हैं, then a lot of it would change automatically. Because क्राइम हमेशा से रहा है, ये फैक्ट है कि अब उसकी जो रिपोर्टिंग है वो बेटर हो गई है. Yes. Because of the social media also. और कभी कभी ऐसे सोचती हूँ तो लगता है कि दुनिया क्या हमेशा से तो ऐसी ही रही है. यू नो देयर हैव ऑलवेज बीन वॉर्स, देयर हैव ऑलवेज बीन वायलेंस, यू नो. सो ऐसा लगता है कि मे बी द आंसर टू इट रियली इज इन चेंजिंग योर सेल्फ रादर देन वॉन्टिंग टू चेंज अदर्स और थिंग्स आउटसाइड. Right, I agree. मतलब आप, you are trying to hint that there should be more education initiatives. Do you think एक young age पे ही? Definitely, and also I think we need to become more sensitive. के crime होता है तो what is the reason really for it to happen? You know, economic disparity है या you know एहसास कमतरी की वजह से कोई क्राइम करता है या यू नो कोई मानसिक कॉल इट व्हाटएवर मेंटल सिकनेस और व्हाटएवर दैट इज. आई थिंक मोर अवेयरनेस इज नीडेड इन सोसाइटी एज टू व्हाई डज क्राइम हैपन. मोर देन के वी नीड टू पनिश क्राइम, आई थिंक वी नीड टू गो अ स्टेप बिफोर दैट एंड लुक एट इट कि ये होता क्यों है, ये कहाँ से शुरू होता है. Perfectly fine. बहुत ही मतलब deep आपने बात बोली है. वैसे आप 2021 का क्या plan है? 2020 पे तो सब कुछ घर पे निकल गया. हाँ. What are you planning for 2021? Any upcoming project? काम भी नो. और क्या plan चल रहा है? जी 2021 में काफी काम है, films भी हैं और web shows भी हैं. So 2021 से ऐसा मुझे लग रहा है ज्यादातर समय कैमरा के सामने ही जाने वाला है. ये तो बढ़िया है, आपको और काम देखने को मिलेगा सारी ऑडियंसेस को. एनी मैसेज यू हैव फॉर दोस अपकमिंग एस्पिरेंट्स हु आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू मेक अ मार्क इन द इंडस्ट्री? ऑफ कोर्स आई वुड वांट टू टेल देम दैट
have faith in yourself. Do not look into the mirror too much. Acting is not just about how we look. Yes. It is much more deeper. And so work on the craft. Try to understand human emotions. Try to understand what the other person is going through. Open your eyes, observe things around, sharpen your imagination. And you are not just the body, you're more than it. So explore well. Wow, what a beautiful message you've given. Thank you so much, Shilpa, for coming on our show. Thank you, Sujay. You've inspired so many people today. I'm sure a lot of people are joining in and asking a lot of questions. I will make sure all these questions are routed to you, because I'm sure you'll be happy to interact with people and your fans. Thank you again. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Bye. Thanks. So this was Shilpa Shukla, जिनके साथ हमने बहुत सारी मजेदार बातें की और हमें पता लगा कि उनकी नई वेब सीरीज आ रही है क्रिमिनल जस्टिस। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते सैटरडे को एक और सेलिब्रिटी को लेके आऊंगा जिनके साथ हम करेंगे खूब सारी बातें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल नेक्स्ट सैटरडे, आई होप एंड आई प्रे that you stay safe and protected. Till then, namaskar.